गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं शुभम सैनी एंड वेलकम बैक टू टेक शुभम यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कैसे कर सकते हैं या परमानेंटली आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए गाइस, आप शुरू करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले आपने हमारे चैनल टेक शुभम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और पास दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ये मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और आपको यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। ये एक आईडी है, इसको मैं टेम्परेरी या परमानेंटली डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए गाइस, ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऊपर थ्री लाइन दिख रही हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक की। इसके बाद आपको जाना है हेल्प वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर हेल्प वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, हेल्प सेंटर, यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको एक ब्राउज़र चुनना है। ये मेरा पहले से चुना हुआ है तो मेरा ही आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें से आपको सेकंड वाले ऑप्शन मैनेजिंग योर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक की। क्लिक करने के बाद आपको डिलीट योर अकाउंट पर जाना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको हाउ टू आई टेम्परेरी डिसेबल माय इंस्टाग्राम अकाउंट या हाउ टू आई डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको मैं परमानेंटली या फिर डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर जाना है गो टू द डिलीट योर अकाउंट पेज, यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा परमानेंटली डिलीट करने के लिए। यहाँ पर मैं क्लिक किया। इसके बाद आप क्रोम वाले ब्राउजर चूज कर लेना है, यहाँ पर खुल रहा है। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है गाइस, देखिए। ये खुल गया है। यहाँ पर आपको उसी आईडी को लॉगिन करना है जिस आईडी को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उस आईडी को लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको करना है डॉट नाउ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पर आना है वाई आर यू डिलीटिंग योर अकाउंट, यहाँ पर आपको रीज़न बताना पड़ेगा। चलिए गाइस, अपने रीज़न बता देते हैं। यहाँ पर कंसर्न अबाउट माई डेटा, टू बिजी टू डिस्ट्रैक्टिंग, क्रिएट अ सेकंड अकाउंट, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप समथिंग एल्स कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्रिएट अ सेकंड अकाउंट, यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन टेक करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ पर ये टाइप कर देता हूँ मेरा पासवर्ड जो मैंने बनाया था। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर एक बार और आपको अवेयर करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पर मैंने ओके कर देना। यहाँ पर मैंने ओके किया। तो भाई देखिए, यहाँ पर आ चुका है योर अकाउंट हैज बीन रिमूव्ड, वी आर सॉरी टू सी यू गो। तो भाई आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार खोल कर ओपन कर कि अकाउंट डिलीट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आपको दोबारा इंस्टाग्राम पर जाना है। यहाँ पर आपको ये देखिए, यू हैव बीन लॉग आउट, ओके। तो आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, रिमूव कर दिया। इसके बाद आपको उसी आईडी को उसी को दोबारा खोलकर दिखा देता हूँ। ये गाइस देखिए, मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि आपका अकाउंट परमानेंटली रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर अपील कर देना, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।